नहीं, एक मंत्री कहता है कि मेरा कमिश्नर नहीं सुनता है, तो तुम मर क्यों नहीं गए सुरेश शर्मा जी? औकात नहीं थी तो क्यों बने? सुशील मोदी, यदि एक बच्चे को बचाने की औकात आपकी नहीं है तो आपको एक मिनट भी वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ना चाहिए क्या? पड़ोसी को खाना देने की जिसके पास औकात नहीं हो उसको वार्ड मेंबर बनना चाहिए क्या? आत्महत्या कर लेना चाहिए सुशील मोदी। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया है और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। कटिहार के बराड़ी पहुंचे हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव। बाढ़ पीड़ितों से वो मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर बिफरा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में बाढ़ की तबाही के मंजर में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने कोई नहीं पहुंचा, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और मंत्री सुरेश शर्मा पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी को एक वार्ड काउंसलर का चुनाव तक नहीं लड़ना चाहिए। जो सुशील कुमार मोदी अपने पड़ोसी का नहीं हुआ वो बिहार के लोगों का क्या होगा? और क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव बिहार के नेताओं को लेकर, सुनिए इस पूरी पूरी दुनिया एक तरफ, पप्पू यादव अकेला। इस बार हिरन के नाभि पर तीर पड़ी है जनाब। सत्ता पक्ष ने समझ लिया ये इलाका तो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला और बनियाओं का है, जाएंगे कहाँ? मरे जिए, वोट तो देना है बीजेपी। और विपक्ष ने समझ लिया कि हम क्यों जाएं, मेरा वोट है नहीं। सात लाख लोगों को मैंने पानी पहुंचाया अपने हाथ से, 4.5 लाख पैकेट दूध पहुंचाए अपने हाथ से, 1,82,000 लोगों को खाना पहुंचाए अपने हाथ से। ये जो दुनिया दी कैंप खुली हुई है वो अलग है, लाखों बिस्कुट लाखों चूड़ा घूर बटे पप्पू यादव के तरफ से वो अलग है। मैंने बारिश के एक दिन बाद मेरी दोनों गाड़ी डूब गई और एक बार भी हम नदी से बाहर नहीं हुए। आज भी बाईपास का टोटल इलाके में अभी खाना और वहां पर गोली चल रही है, धरना चल रहा है। मैं धरना नहीं देता, मैं जिंदगी बचाता हूँ। तब भी वो हवाई सर्वे करके लौट के चले गए। दूसरी बार आई तो पटना की जिंदगी नर्क बना दिया। 9,000 करोड़ रुपया पटना में, आप 9 से 2019 तक 9,000 करोड़ सीवरेज पर खर्चा किए, क्या हुआ? 786 करोड़ सीवरेज पर आपको अलग से मिला, उसका पैसा क्या हुआ? 856 करोड़ हर साल नगर निगम का बजट है, उसका पैसा क्या हुआ? 90 से बीजेपी वहां पर नगर निगम में है और दोनों मंत्री उसके बीजेपी ही, जब तक नीतीश कुमार रहे तब तक नगर विकास मंत्री बीजेपी रही। फिर ये जो गाली गलौज का मामला और लगातार आप एक दूसरे पर इतनी बड़ी त्रासदगी हुई, 486 सीवरेज अंडरग्राउंड का बर्बाद हो गया, ऊपर का 346 सीवरेज नहीं बर्बाद हो गया, नगर निगम का कहीं नक्शा नहीं है। पटना का जब नगर निगम का नक्शा नहीं है तो और जगह का नगर निगम का नक्शा कहाँ से होगा? कर्ज है उसको माफ करने की डिमांड करूंगा। खास करके किसान भी बहुत बर्बाद है सर, किसान तो बर्बाद हो चुका, हर घर बर्बाद हो चुके हैं, कोई नहीं बचा है। हम पटना के में जो 10,000 करोड़ की क्षतिपूर्ति हुई उसके लिए केरल के तर्ज पर सभी तरह के इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस को लागू करे। अब इंश्योरेंस वो सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस कर रही है कि मैं प्राकृतिक आपदा में इंश्योरेंस नहीं देता हूं, और केरल की सरकार ने प्राकृतिक जो आपदा आई तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी से बात कर गाड़ी का, घर का और जितनी इंश्योरेंस थी उस इंश्योरेंस को दिलवाएंगे। क्या मुख्यमंत्री जी इंश्योरेंस दिलाएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे?